माइनक्राफ्ट डायमंड्स पाने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि कोई विलेज में जाओ तो वहाँ पे अगर वेपन स्मिथ या फिर टूल स्मिथ का घर होगा तो वहाँ से डायमंड्स मिल जाता है। 1.18 में केव में जाओ तो वहाँ पे भी आपको इजीली डायमंड्स मिल जाता है। और क्या आपको पता है कि विलेजर से भी आप डायमंड्स ले सकते हो बस एक एमरल्ड पे। अच्छा, कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको तो पता ही है कि विलेजर से ट्रेड करने पर एमरल्ड मिलता है और वही एमरल्ड से आप डायमंड की चीजें भी ले सकते हो। और जैसे कि बात हो रही है भैया डायमंड्स की, तो भैया वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि कैसे भर भर के डायमंड्स को ले सकते हो। ओके, तो माइनक्राफ्ट में टोटल 13 विलेजर्स अलग अलग जॉब करता है। स्टोन मेशन, शेपर्ड, फ्लैशर, कार्टोग्राफर, बचर, फिशरमैन, क्लरिक, लाइब्रेरियन, फार्मर, आर्मरर, वेपन स्मिथ, टूल स्मिथ एंड लेदर वर्कर। तो ये तो टोटल 13 विलेजर्स है जो 13 अलग अलग जॉब लिए बैठा है। हर एक विलेजर ही बहुत काम का है क्योंकि भैया यही लोग आपको एमरल्ड जो देते हैं ट्रेड करने पर। बट इनमें से सबसे स्पेशल यानी जो डायमंड्स देते हैं वो है ये 3 विलेजर, आर्मरर, वेपन स्मिथ एंड टूल स्मिथ। तो अगर आप डिप डाउन करके नीचे केव के गहराई में जाके डायमंड्स को माइन करते हो विद अ नॉर्मल पिकेक्स तो आपको सिर्फ एक ही डायमंड मिलता है, एक डायमंड का ओर से। बट अगर आपके पास फॉर्चून 3 का पिकेक्स होगा तो चांसेस रहेगा कि भैया एक डायमंड के ओर से आपको कम से कम 2 से 3 डायमंड्स मिल जाएगा। बट अभी देखो विलेजर से डायमंड कैसे लेके अमीर बनोगे माइनक्राफ्ट में। तो सबसे पहले तो भैया विलेयर को, इन 3 विलेयर को ट्रेड करना होगा, इन 3 विलेयर से ट्रेड करना होगा और इनको मास्टर लेवल तक यानी लेवल 5 तक पहुंचाना होगा। और इन 3 विलेयर को ही मास्टर लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले आप कोल और आयरन का इस्तेमाल कर सकते हो। आयरन मिल जाएगा माइनिंग के दौरान या आयरन फार्म से, और कोल भी मिल जाएगा माइनिंग के दौरान या विदर स्केलेटन को मारने से। और आर्मरर को जैसे ही आप एक्सपर्ट और मास्टर लेवल पे पहुंचाओगे तो वो आपको डायमंड्स का आर्मर ऑफर करेगा और वो कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम, यानी डायमंड के हेलमेट, डायमंड के लैचेस प्लेट, डायमंड का लेगिंग्स या फिर डायमंड के बूट्स भी हो सकते हैं। तो इनसे आर्मर ट्रेड करो, अच्छी चीज मिले तो रख लो वरना आप उसको डिसइंजेक्ट करके अपने हिसाब से उसको फिर से आप इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हुआ आर्मरर के किरदार की बात, और अभी चलते हैं वेपन स्मिथ के पास। तो वेपन स्मिथ को भी मास्टर लेवल पे पहुंचाने के लिए भाई वही ट्रिक आजमाना होगा, कोल और आयरन से आप उससे ट्रेड कर सकते हो, चाहो तो आप एमरल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एमरल्ड से भी आप उससे ट्रेड करके उसको मास्टर लेवल तक पहुंचाने के लिए मतलब हेल्प कर सकते हो। और जैसे ही वेपन स्मिथ एक्सपर्ट और मास्टर लेवल पे पहुंच जाए तो देखना वो आपको डायमंड के टूल्स ऑफर करेगा। रिमेम्बर, टूल्स कुछ भी हो सकता है, मतलब डायमंड का सॉ, डायमंड पिकैक्स, डायमंड एक्स, डायमंड शवल, डायमंड हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम चीजें कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको टूल्स पे अच्छे खासे इंचेंट देखने को मिले तो रख लो वरना उसको भी डिसइंचेंट करके अपने हिसाब से उसको फिर से इंचेंट कर सकते हो। तो गाइस ये हुआ वेपन स्मिथ के किरदार का काम, अभी चलो बात करते हैं टूल स्मिथ से। ओके, तो टूल स्मिथ को भी मास्टर लेवल पे पहुंचाने के लिए सेम ट्रिक आजमा सकते हो, कोल एंड आयरन से इसको ट्रेड करो, चाहो तो आप एमरल्ड का भी यूज कर सकते हो। तो इसके नाम पे लिखा है टूल स्मिथ, मतलब ये आपको टूल्स ऑफर करेगा और जैसे ही इसको आप एक्सपर्ट और मास्टर लेवल पे ले जाओगे तो ये आपको डायमंड के टूल्स ऑफर करेगा। और कभी कभार ये जर्नी में मतलब लेवल 3 पे भी आपको डायमंड के टूल्स ऑफर कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको टूल्स पे अच्छे खासे इंचेंट देखने को मिले तो रख लो वरना उसे डिसइंचेंट करके अपने हिसाब से उसे इंचेंट करो, फायदा आप ही का है। तो अभी देखो मुझे जो इंसेंट रेट पे टूल्स और आर्मर मिल रहा है ना तो मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं मुनाफा कितना है। ओके, तो गाइस मुझे ये सब मिल रहा था तो मैंने सारे को मतलब खरीद लिया और 2 विलेज से मेरे को 2 एक्स मिल गया तो मैंने उनको भी उनसे भी खरीद लिया ये चीज। खैर, तो गाइस मैंने कैलकुलेटर अपने सामने मुंह के थोड़े के सामने भाई रख दिया, ठीक है, और अभी देखो कैलकुलेशन कितना होता है। चलो देखते हैं। एक चेस्ट प्लेट बनाने के लिए आपको 8 डायमंड्स लगते हैं, एक लेगिंग्स बनाने के लिए आपको 7 डायमंड्स लगते हैं, एक सॉर्ड बनाने के लिए आपको 2 डायमंड्स लगते हैं, एक एक्स बनाने के लिए आपको 3 डायमंड्स लगते हैं, एक पिकैक्स बनाने के लिए आपको 3 डायमंड्स लगते हैं और एक हो बनाने के लिए आपको 2 डायमंड्स लगता है। जैसे कि मेरे पास 2 एक्स हो गया तो 3 3, ठीक है, तो यानी 8+7+2+3+3+3+3+2 यानी भाई 28 डायमंड्स हमें मिल चुका है। मतलब आप समझ रहे हो भाई मुनाफा कितना है। 28 डायमंड्स को अगर आप माइन करने पर लोगे, लेने की कोशिश करोगे तो आपको कम से कम 20 मिनट से 1 घंटे का वक्त लग सकता है विदाउट फॉर्चून 3 का पिकेक्स। अगर आपको नसीब अच्छा हो तो वक्त कम लगेगा बट डायमंड ज्यादा मिलेंगे विदाउट फॉर्चून 3 का पिकेक्स। बट इनसे पहले पहले ट्रेडिंग करना भाई एक्सपेंसिव थोड़ा सा तो है, ठीक है, बट सॉल्यूशन इसका भी है। इनको क्योर करो तो आप 1 एमरल्ड से आप इनसे ये सब चीजें ले सकती हो। मतलब आप सोचो बस 1 एमरल्ड पे भाई 1 डायमंड का चेस्ट प्लेट जिसको बनाने के लिए भाई 8 डायमंड्स लगते हैं,
भाई एक मिनट में मिल रहा है भाई, तो समझ सकते हो भाई मुनाफा कितना है। क्योर करने का आसान तरीका के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है इसी चैनल पे, चाहो तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आए बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। और हाँ, विलियर को ज़ॉम्बी से पिटवाने से पहले अपना गेम मोड हमेशा हार्ड में रखना। इजी में रखोगे तो 100% चांस विलियर मर जाएगा, नॉर्मल में रखोगे तो 50% चांस है विलियर मरेगा और 50% चांस है विलियर सर्वाइव करेगा। बट हार्ड में रखोगे तो 0% चांस होगा विलियर के मरने के, मतलब 100% चांस होगा उसके ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट होने के। इसलिए विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करने से पहले हमेशा अपना गेम मोड को हार्ड में कर देना। तो इसको आजमाओ और लूटो डायमंड्स जितना चाहो। और वैसे डायमंड्स का काम ही क्या है इन माइनक्राफ्ट में आर्मर और टूल्स बनाने के अलावा? अगर आप ब्लॉक्स बना के डेकोरेट करना चाहो तो टूल्स और आर्मर तो आपको यही से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बाकी आपके पास अगर डायमंड्स माइनिंग के दौरान आपको मिल जाता है तो उसको आप कभी वो कभी खर्च ही नहीं होंगे। मतलब खर्च करने का मतलब जरिया होना चाहिए ना भाई, डायमंड आर्मर और टूल्स तो यही से आपको मिल जाएगा, तो आपको वो खर्च कभी नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास जो भी होगा वो रह जाएगा। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बोलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि बाकी भी इसे बाकियों को भी इसके बारे में पता चले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे वीडियोस को मिस ना कर दो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी और अगले माइनक्राफ्ट के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।